डायरेक्ट वीडियो कॉल। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आजकल हर किसी के फोन में होता है, बस लोगों को पता नहीं है कि उसे इनेबल कैसे करना है। आप लोग सीधा देखो, आप लोग सिंपली इस वीडियो कॉल के ऑप्शन पर क्लिक करके नॉर्मल कॉल से वीडियो कॉल पे एकदम आसानी से स्विच कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक से। और इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि आपका नेट खुला हो, सामने वाले का नेट खुला हो, सीधा सीधी कॉल स्विच हो जाएगी, कोई झंझट भी नहीं होने वाली है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, सभी के फोन में होता है, बस लोगों को पता नहीं। उसे इनेबल कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं बता दूंगा आपको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम क्यों है, इस पर मैंने पहले ही से वीडियो बनाई हुई जो कि ऊपर आई बटन में है। अब देखो दोस्तों, उस वीडियो में सिर्फ ये प्रॉब्लम क्यों आती है वही मैंने बताया था, सॉल्यूशन इस वीडियो में बता रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में साथ साथ ही बता देने वाला हूं। तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहना ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना कर दो और कुछ भी गलती ना करो, ताकि आप लोग इस फीचर का मजा ले सको। तो अब दोस्तों सारी बात हो चुकी है वीडियो की, अब मैं बात करता हूं अपने बारे में। तो मेरा नाम है, अब समय हो चुका है वीडियो को स्टार्ट करने का, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब देखो गाइस, जैसा कि तुम्हें पता ही, ये जो डायरेक्ट वीडियो कॉल होती है ये तुम्हें रेडियो वेव्स पर ट्रैवल करती है। बट इसके लिए तुम्हें एक चीज़ होना ज़रूरी है तुम्हारे फ़ोन में, वो है वोल LTE। मैं जो दो फोन्स यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो के लिए, वो दोनों ही वोल LTE इनेबल्ड है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये ट्रिक उन्हीं फ़ोन्स में वर्क करने वाले हैं जिनमें वोल LTE इनेबल्ड हो। आजकल ज़्यादातर जो भी फ़ोन्स आते हैं उनमें इनेबल्ड होता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इनेबल्ड नहीं है आपके में और ऑप्शन दिया हुआ है आपके फ़ोन में, तो वो कैसे करना है वो पहले जान जाओ। पहली बात, जियो में आपको इनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जियो में पहले से इनेबल रहता है। एयरटेल में आपको इनेबल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे पास एयरटेल का एक सिम है, मैं उसमें बता देता हूँ। आप लोगों को सिंपली यहाँ वोल LTE कॉल्स एक दिख जाएगा, आप लोगों को इसे इनेबल करके रखना है अगर ऑफ हो तो। अब दोस्तों अगली जो चीज़ है जो आपको करनी है अपने फ़ोन में, वो ये है कि आपको अपना सिंपली डायलर उठाना है। ज़्यादातर के फ़ोन में गूगल का ही डायलर होगा, सिंपली उसे उठाना है और यहाँ पर आपको ऐप इन्फो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक टू डॉट्स दिखेगा, आप लोगों को इस पर क्लिक कर अनइंस्टॉल अपडेट्स कर देना है। अनइंस्टॉल अपडेट्स कर देते हैं हम लोग। अब आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि हमारा फ़ोन का अनइंस्टॉल अपडेट्स हो चुका है। फिर से हम लोग ऐप इन्फो में चले जाएंगे और इस बार यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्टोरेज यूजेज में आपको क्लियर डाटा भी एक बार कर देना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली बैक आ जाना है। दोस्तों यहाँ पर हमने अनइंस्टॉल अपडेट्स कर दिया है, तो उसके बाद अब फिर हमें इसे दोबारा से अपडेट भी करना होगा। तो अब हमें चले जाना है सिंपली प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर चले जाने के बाद अपना नॉर्मल सा फ़ोन ऐप सर्च कर लेना होगा। फ़ोन ऐप सर्च करने के बाद गूगल LLC खोज लेना है। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी है कि आपके में बीटा प्रोग्राम ज्वाइन होना चाहिए। अगर नहीं है ज्वाइन, तो यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हमें लीव का ऑप्शन दिखा रहा है, आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखाएगा। आपको सिंपली ज्वाइन पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। कुछ टाइम वेट करना होगा तभी आपके में ये बीटा आएगा, यहाँ पर बीटा लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। अभी से हम लोग अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि एक बार अनइंस्टॉल अपडेट करने के बाद दोबारा से अपडेट जब हम लोग करेंगे तो जो भी सारी सेटिंग्स जो बिगड़ी होंगी वो ठीक हो जाएंगी। और जो वीडियो कॉल का जो ऑप्शन आता है वो बीटा के लेटेस्ट अपडेट में ही है, तो आपको लेटेस्ट अपडेट करना होगा। अगर लेटेस्ट नहीं है तो अनइंस्टॉल अपडेट करने के बाद आपको लेटेस्ट वाला दिख जाने वाला है एकदम तुरंत ही। तो आपको यहाँ से अपडेट उसे कर लेना है। तो जब तक अपडेट होता है तब तक हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि फालतू में बकचोदी करने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। A few moments later. यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा लेटेस्ट वर्जन अब डाउनलोड हो चुका है। अब हमें इसे ओपन नहीं करना है, अभी हमें सिंपली थोड़ा सा बैक आना है और प्ले स्टोर में ही अब एक दूसरी चीज़ सर्च करनी है, वो है गूगल डुओ। सिर्फ आप डुओ सर्च करोगे तो भी आ जाने वाला, आप टेंशन नहीं लो, मैं गूगल डुओ से कॉल करके आपको नहीं दिखाने वाला। आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। वैसे तो आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड होगा, लेकिन अगर आपने इसे अनइंस्टॉल कर दिया तो आपको इसे एक बार इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके फ़ोन में रहना, तभी आपकी जो डायरेक्ट वीडियो कॉल है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आए, मतलब कभी कभी ओकेजनली आए। ऐसे अगर आपके में रहेगा तो वो हर टाइम आने वाली है और आपको हर टाइम उसका फ़ायदा होगा। तो आप लोग इसे इंस्टॉल करो और उसके बाद भी इसमें कुछ और चीज़ें करनी है, वो इसके इंस्टॉल हो जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारा गूगल डुओ अब डाउनलोड हो चुका है, अब हमें इसे ओपन करना है। ध्यान रखना आपको उस फ़ोन ऐप को अभी ओपन नहीं करना है, आपको सबसे पहले गूगल डुओ को ओपन करना है। सारी चीज़ें सिंपली बता रहा हूँ, कुछ भी आपको तामझाम नहीं, एकदम दिमाग खोल के बैठोगे, पूरे वीडियो को एंड तक देखोगे बिना स्किप किए तो सारी चीज़ें समझ जाने वाला है। यहाँ पर आपको सिंपली जो चीज़ करनी है वो है नेक्स्ट गॉट इट वाला वही मामला है। उसके बाद एग्री करके सिंपली आपको यहाँ पर एक सेटअप करना होगा, अलाउ जो भी आपसे मांगता है सभी चीज़ें अलाउ कर देना। यहाँ नंबर मुझे दिख रहा है, मैं ब्लर कर दूंगा उसे। प्राइवेसी नाम की भी दोस्तों कोई चीज़ होती है आखिर। ऑटोमेटिकली इसने OTP फिल कर लिया। दोस्तों कितना AI वाला मामला चल रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। फिर से अलाउ जो भी सारी चीज़ें करनी है आपको उसे कर देना है और उसके बाद इसे छेड़छाड़ नहीं करना है। मतलब सिंपली जो चीज़ें थी वो मैं आपको बताऊं, आपको गूगल डुओ को सेटअप करके छोड़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो अब आपको जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो आपको अपने इस एप्लीकेशन को, जिसको अभी अभी आपने बीटा के लेटेस्ट अपडेट में अपडेट किया, उसे खोल लेना है। उसे खोल लेने के बाद आप लोगों को सिंपली इसे पीछे बैक करना है
और पीछे से सभी जो ऐप्स होंगी आपकी उसे आपको क्लियर कर देना है और उसके बाद आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी हम लोग ऐप्स को अपडेट करते हैं तो उन्हें एक रीस्टार्ट चाहिए होता है सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से वापस से उसमें इम्प्लाई करने के लिए। तो आप लोगों को एक रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैंने तो रीस्टार्ट कर दिया कुछ टाइम में, ये फ़ोन जब तक रीस्टार्ट होता है तब तक फिर से वीडियो को पॉज करके थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है और अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, आप लोग पहली तो बात ये समझो, जो भी चीज़ें मैंने की वो एकदम ज़रूरी थी क्योंकि हर किसी के फ़ोन में अलग अलग प्रॉब्लम होगी। इन स्टेप्स को अगर आप लोग सीधा सीधा फॉलो करेंगे तो हर किसी के फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सभी ठीक हो जाने वाली है और एक अच्छा सा आपके पास एक ऐप आ जाएगा जो कि अब वीडियो कॉल करने के लिए काबिल हो जाएगा, मतलब अब डायरेक्ट वीडियो कॉल कर लेगा। तो सीधा बात समझ जाओ, सारी जो स्टेप्स मैंने आपको बताई वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिंपली उसे वैसे ही करना है। तो ध्यान से देखना वीडियो को, आपने अगर नहीं देखा अभी तो पीछे स्किप करके देख सकते हो, अच्छे तरीके से करना आप लोग ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अब देखो दोस्तों, जब से हमने इस फ़ोन को रीस्टार्ट किया तब से कम एक मिनट हुआ है, तो लगभग हमें 5 मिनट का वेट करना होगा क्योंकि एंड्रॉयड को अच्छे तरीके से सेट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि आप लोगों को क्या लगता है फ़ोन आपका बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, लेकिन दरअसल असलियत में अंदर अंदर बहुत ही धीरे धीरे वर्क होता है, बहुत ही सारी ऐप्स धीरे धीरे लोड होती है अंदर में, अपना डाटा धीरे धीरे लोड करते हैं, तो थोड़ा देर आपको इंतज़ार करना होगा। तो लेट से हम लोग 5 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, मुझे तो 5 मिनट ज़रूरी नहीं पड़े, आप लोगों को कम से कम 5 मिनट रुकना है क्योंकि जैसा मैंने बताया हर किसी के फ़ोन वाइज अलग अलग सिस्टम्स होते हैं तो हर किसी में अलग अलग टाइम लगेगा, लेकिन मुझे 1 मिनट में ही अपना फल दिख चुका है। 1 मिनट पहले मैंने बकचोदी की थी और अब मैंने अभी करके देखा तो हो रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ कि हो रहा है क्योंकि मैं आपका चूतिया नहीं काटता हूँ। तो आप लोग देखो दोस्तों, मैं सिंपली एक कॉल करूँगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो कि आपको प्रूफ की तरह दिखा दूँ, यहाँ पर आपको एक वीडियो कॉल का ऑप्शन दिख रहा है जो कि आपको पहले नहीं दिख रहा होगा। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो पहले ये ऑप्शन नहीं दिख रहा था, ये इसी कारण से आया क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें की हैं, मतलब इतना ज़्यादा इसका छेड़छाड़ कर दिया कि अब परेशान हो चुका और इसने अपना वीडियो कॉल का ऑप्शन दे दिया। फिर भी हम लोग एक बार करके देख लेते हैं क्योंकि आप लोगों को करके दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो यहाँ पर हम लोग फ़ोन को पिकअप कर लेते हैं दोस्तों, कुछ दिखा नहीं शायद, हाँ तो देखो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कॉल का ऑप्शन दिख चुका है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे, नॉर्मली वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी। अब वीडियो कॉल करके क्या दिखाना दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है वीडियो कॉल कैसे होती है, नॉर्मल हाय सोना बाय सोना करना है आपको और यहाँ पर कट कर देते हैं हम लोग कॉल को। अब देखो गाइज, हो सकता है कि तुम्हारे फ़ोन में ये चीज़ ना वर्क करे, तो मैंने इसका कारण तुम्हें पहले ही बता दिया है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि तुम्हारे में वॉल LTE इनेबल्ड ना हो, या फिर तुम जिस बंदे को कर रहे हो वो वॉल LTE इनेबल्ड ना रखे हो, क्योंकि हो सकता है सामने वाले पैसे का स्मार्टफोन तो हो लेकिन वो 3G हो या फिर कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम हो, या फिर 4G ही हो लेकिन इनेबल्ड ना हो वॉल LTE, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसी ही प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है, इसीलिए कुछ केसेस में आपको वहाँ पर वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं देखने को मिला है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको वो दिखने वाला है। ये जो सभी प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है और गूगल डायलर में ही मैंने आपको ये करके बताया क्योंकि अभी एक सबसे कॉमन बन चुका है। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पसंद आई हो तो लाइक करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो यार, कर लो सब्सक्राइब क्योंकि इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहती है, तो कर लो। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप लोग जाओ कर सकते हो।